अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं ज़ेनली टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये सेट है सोनी का 32 इंच का एलईडी टीवी है, स्मार्ट है। तो मैं इसको पावर देने लगा हूं, इसको ऑन करते हैं तो सेट ऑन हो गया। आप देख सकते हैं इस तरह ब्लिंक करती है, ठीक है। ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। ये प्रॉब्लम है इसमें, तो ये ओपन करते हैं। ओपन करके इसको चेक करते हैं कि हर इसमें क्या फॉल्ट है। अभी देखा है ब्लिंक करने लगे, अभी रुक गई है। सम टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, तो ये फॉल्ट है। तो ये देखते हैं क्या हर इसमें क्या फॉल्ट है। ज़्यादातर ये फॉल्ट बैकलाइट का फॉल्ट मुझे लगता है, मतलब अभी कन्फर्म नहीं है, इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करके चेक करते हैं, ठीक। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। ये इसका बोर्ड है, तो ये इसका टीकॉन बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ ये चिप है इसकी, तो जब मैंने ये ओपन की तो आप देख सकते हैं इसकी चिप में फॉल्ट है, ठीक है। ये इसमें ऐसा होता है कि सम टाइम ये नमी की वजह से कि या किसी डस्ट वगैरह की वजह से ये कार्बन आ जाता है आगे, ठीक है। ये कार्बन आ गया, आप देख सकते हैं कार्बन की वजह से ये हमारा जो पैनल है वो ब्लिंक करता है, ठीक है। बैकलाइट इसकी ओके है, बैकलाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका इस कार्बन की वजह से ये फॉल्ट आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं, ट्राई करते हैं इसी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर कार्बन ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, वरना इसका ये चिप जो है ये चेंज करनी पड़ेगी, ये इसका जो पता है, ठीक है। तो इसके नीचे भी यहाँ पे भी थोड़ा सा कार्बन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये दो पॉइंट ये हैं और एक ये है, तो इसकी वजह से स्क्रीन जो है ब्लिंक कर रही है। तो बारा चलो इसको साफ करते हैं, साफ करके इसको चेक करते हैं कि क्या हमारा ये चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। ये इसका दूसरी साइड में भी चेक कर लेते हैं, दोनों साइड में। तो जी इसके दोनों साइड में थोड़ा सा कार्बन है, जो नीचे वाली साइड में भी आप देख सकते हैं इसके कार्बन है। तो दोनों साइड में कार्बन है, कार्बन की वजह से जो हमारा जो पैनल है वो ब्लिंक कर रहा है। तो अभी इसको साफ़ करते हैं या इसको चेंज करेंगे, ठीक है। पहले कोशिश करते हैं इसको साफ़ करने की। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको चेंज कर दिया। चेंज करने के साथ साथ इसमें एक और फॉल्ट भी आ रहा था कि इसकी जो लूजिंग थी बैकलाइट की, ठीक है, जिसकी वजह से ये ब्लिंक करती थी। तो बहरहाल इसका मैंने ये जैक भी चेंज कर दिया, ये नया लगा दिया इसकी जगह पे, क्योंकि दूसरा साफ़ करते करते उसके प्रिंट जो है वो ख़त्म हो गए थे, ठीक है। तो अब हमारा सेट बिल्कुल ओके है।